हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज, जो कि हमारी पिछली वीडियो रिवीजन ऑफ क्लास 11 पार्ट 2 पर थी, जिसमें हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट इटरेटिव स्टेटमेंट्स को पढ़ा था अंडर द टॉपिक फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो आज की क्विज इन्हीं टॉपिक्स पर रहेगी। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए ताकि आप अपने आंसर्स रिकॉर्ड कर पाएँ, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी लिख पाएँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सिलेक्शन स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट है। अभी अभी हमने जो स्टार्ट किया था देखा था ना, सिलेक्शन स्टेटमेंट लिखी हुई थी, तो कौन कौन सी हैं, इफ एंड द स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इटरेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स याद कीजिए, इटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या थी, लूप्स, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट अपने आप को रिपीट करती रहे। तो इफ तो सिलेक्शन थी, बचे कौन, डू व्हाइल, फोर एंड व्हाइल लूप, ये तीन लूप हमने पढ़े थे। फोर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है, चलिए देखते हैं। याद कीजिए लूप दो तरीके के थे, एक एंट्री कंट्रोल्ड और एक एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन चेक होती थी, वहीं एग्जिट कंट्रोल में एक बार कम से कम लूप एग्जीक्यूट होता था, उसके बाद कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन सही है तो दोबारा रिपीट करते थे लूप को, नहीं तो लूप से बाहर। तो फोर लूप कौन सा है, एंट्री कंट्रोल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा लूप एग्जिट कंट्रोल है। तो फोर लूप और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल थे, कौन सा है, डू वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर स्विच स्टेटमेंट में आपके पास, स्विच स्टेटमेंट में अगर आपके पास कोई भी केस मैच ना करे चॉइस वेरिएबल के साथ, तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। ये था आपके पास स्विच स्टेटमेंट, केस वन केस टू, अगर चॉइस की वैल्यू ना वन है ना टू है तो क्या एग्जीक्यूट होता था, यस डिफॉल्ट पार्ट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट उसमें एग्जीक्यूट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या था कि स्विच स्टेटमेंट में अगर केस ना मैच हो रहे हो तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, यस बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लूप इज बेटर टू यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट प्री नॉन। तो ध्यान दीजिए, नॉट प्री नॉन है कि हमें पहले से नहीं पता है, क्लियर। तो ऐसी स्थिति में कौन सा लूप हमारे पास, जहां नंबर ऑफ इटरेशन पहले से ना हो, वहां हम यूज करते हैं कौन सा लूप, व्हाइल लूप, आंसर लिख लीजिएगा व्हाइल लूप। फोर लूप हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें नंबर ऑफ इटरेशन पहले से पता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लूप इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन टाइम। अभी अभी डिस्कस किया था हमने एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप में, एक कम से कम एक बार कौन एग्जीक्यूट करेगा, स्टार्टिंग में भी अगर शुरुआत में ही कंडीशन फॉल्स है तो भी एग्जीक्यूट करेगा, यस yes, ये कौन सा लूप है आपके पास, एग्जिट कंट्रोल लूप एंड डू वाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा है, डू वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट बिटवीन टू केसेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज नॉन एज। स्विच स्टेटमेंट में अगर दो केस के बीच में ब्रेक स्टेटमेंट हटा दी जाए तो क्या होगा, उसे क्या कहते हैं। तो अभी देखिए, हमने स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट में केस वन, स्टेटमेंट वन, केस वन अगर मैच करता है, चॉइस की वैल्यू वन है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी ब्रेक लूप से बाहर, स्विच से बाहर, सॉरी नॉट द लूप। अगर चॉइस की वैल्यू टू है, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगी और आप स्विच स्टेटमेंट से, स्विच के ब्लॉक से बाहर। तो बाहर कैसे आ रहे हैं आप, विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से। लेकिन अगर ये ब्रेक ही ना हो तो क्या होगा, ब्रेक यानी जैसे ब्रेक करो तो ना, ब्रेक नहीं लगेगा, स्टेटमेंट वन के बाद आप सीधा नेक्स्ट केस में चले जाओगे, स्टेटमेंट टू भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस सिचुएशन को कहा जाता है फॉल थ्रू। स्विच स्टेटमेंट में ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, फॉल थ्रू। तो इसका जो क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है फॉल थ्रू। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अगर आपके पास स्विच स्टेटमेंट में चॉइस लिखा था, हमने अभी अभी सिंटैक्स देखा था, स्विच ब्रैकेट में क्या था, चॉइस, ये जो चॉइस वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट या इंटीजर और कॉन्स्टेंट, दोनों। तो बिल्कुल सही इसका आंसर रहेगा, दोनों वैल्यू हो सकती हैं, इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट वैल्यूज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो आपके पास फोर लूप दिखाई दे रहा है, कोड है दो स्टेटमेंट का, फोर लूप और सी आउट, उस फोर लूप आई की वैल्यू को इसमें प्रिंट किया गया है, तो यहाँ आपके पास आउटपुट क्या रहेगी। तो ध्यान से देखिए, आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वन,
और लेस देन कहाँ तक जाएगा, 5। क्या साइन है, आई लेस देन 5, यानी आई की वैल्यू 5 से कम रहेगी, 5 के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं होगी। और आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हर बार बाई 1 एक से बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन ए 0 1 2 3 4 जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी जो है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है लेकिन 5 हमारे पास इसमें नहीं आ सकता। तो आंसर हमारा बचा कौन सा, बी पार्ट। ये लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक। तो ये थी आपकी आज की क्विज़, ये 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। आप सबको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक पे अगर आप एक और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हम वहाँ इसे दे सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे आपकी उसमें रहेगा हमारे पास जो हमने रिवीजन किया था क्लास 11th का पार्ट 3 उसकी क्विज़, उस पर कुछ क्वेश्चन। तो तब तक आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you. Have a nice day.